आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, मानव मादा के लिए निम्न में से क्या गलत है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है, ऋतुस्राव चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें ऋतुस्राव चक्र की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऋतुस्राव, या फिर इसे कहा जाता है आर्तव चक्र। तो हम यहाँ लिखेंगे आर्तव चक्र, जो कि एक मासिक जनन चक्र होता है और यह होता है 28 से 29 दिन का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जो समय अवधि होती है यह 28-29 दिन की होती है। तो हमारा जो ये दिया गया है ऑप्शन ए, यह बिल्कुल सत्य है, सही है, जबकि हमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो सत्य है। आगे की ओर देख लेते हैं, ऑप्शन बी दिया गया है, मेनोपोज 45 से 55 साल की उम्र में होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं, सबसे पहले मेनोपोज होता क्या है। तो यहां लिखेंगे मेनोपोज, मेनोपोज या फिर इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे रजो निर्वृति कहा जाता है। तो हम यहां लिखेंगे रजो निर्वृति। अब रजो निर्वृति क्या होता है कि अंतिम जो आर्तव चक्र होता है उसे कहा जाता है रजो निर्वृति। तो लिखते हैं अंतिम आर्तव चक्र, अर्थात महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है, आर्तव चक्र जो है, उसकी समाप्ति को ही क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं रजो निर्वृति, या इसे मेनोपोज कहा जाता है। और यह होता है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि लगभग 50 वर्ष की उम्र में यह होता है। तो यह एक एवरेज आयु जो है, औसत आयु जो है, यह होती है 45 से 55 वर्ष। अब यह होता क्यों है, क्योंकि प्राथमिक पुटक जो है वे निश्चित ही होते हैं, उनकी संख्या जो है यह सीमित होती है अंडाशय में, और लगातार वे फोलिकुलर एट्रेसिया, अर्थात लगातार उनका प्राकृतिक विघटन होता रहता है, इसीलिए मादाओं में मेनोपोज या रजो निर्वृति की स्थिति आती है, और यह आती है इस उम्र में 45 से 55 वर्ष की उम्र में। तो हमारा जो ये बी ऑप्शन दिया गया है, ये भी क्या है, सत्य है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है, गर्भावस्था के दौरान निकले हुए अंड मर जाते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं गर्भावस्था की, तो लिख लेते हैं यहाँ गर्भावस्था। अब गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जो आर्तव चक्र है, तो लिख लेते हैं आर्तव चक्र जो है गर्भावस्था के दौरान यह आता ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये बंद रहता है। यदि गर्भ धारण हो चुका है तो गर्भ धारण के स्टूडेंट हम कह सकते हैं समय से लगभग 15 महीने तक, ये जो हम कह सकते हैं कि आर्तव चक्र जो है यह बंद रहता है, लगभग 9 महीने की अवधि होती है यह गर्भावधि होती है, और फिर 6 महीने की अवधि होती है जब माता अपने बच्चे को, नवजात शिशु को एक्टिवली फीडिंग या फिर दूध पिलाती है सक्रिय रूप से, तब तक आर्तव चक्र जो है यह बंद ही रहता है। तो जब आर्तव चक्र ही बंद है तो यहाँ पर अंडोसर्जन जो है नहीं होता है, अर्थात अंडा जो है नहीं बनता है, ना ही अंडोसर्जन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है ऑप्शन, यहाँ लिखा है गर्भावस्था के दौरान निकले हुए अंड मर जाते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है, ऋतुस्राव लगभग 4 दिनों तक चलता है। यदि हम बात करें ऋतुस्राव या फिर आर्तव चक्र की, तो इसमें एक ऋतुस्राव प्रावस्था होती है, तो लिख लेते हैं इसे ऋतुस्राव या रक्तस्राव कहा जाता है। इस प्रावस्था में गर्भाशय का जो अंतःस्तर है उसका पक्षय होता है या फिर उसका विघटन होता है, जिससे कि रक्त स्राव होता है, और यह जो अवस्था रहती है यह 3 से 5 दिन की होती है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ऋतु स्राव लगभग 4 दिनों तक चलता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, देख सकते हैं यह 3 से 5 दिन तक अवस्था रहती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।